हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो G85 5G फ़ोन में आप कैसे ब्लूटूथ के जरिए डाटा ट्रांसफ़र आप कैसे कर सकते हैं और कैसे ब्लूटूथ के जरिए फाइल वगैरह ट्रांसफ़र आप कैसे कर पाएंगे अपने मोटो G85 फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे आपके फ़ोन के आइकन्स हैं कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं, जिसमें से आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपके पास सेटिंग ऑप्शंस आता है जिस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन सेटिंग से ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपके पास ऑप्शन आता है ब्लूटूथ, तो यानी कनेक्टेड डिवाइस सेटिंग, तो उस पर क्लिक करना है। फिर आपको कनेक्शन एंड परफॉर्मेंस सेटिंग्स पे जाना है, जहाँ पर ब्लूटूथ सेटिंग्स आपको मिल जाएगा, जहाँ से सही से ब्लूटूथ को आपको ऑन कर देना है। ऑन कर देना है जिससे आप किसी भी मतलब दूसरे डिवाइस में आप फाइल वगैरह ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं ब्लूटूथ के जरिए। तो सिंपली जैसे आप फाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो इसके लिए सिंपली सबसे पहले तो आपको फाइल गैलरी पे जाना होगा। तो सिंपली हम यहाँ से अपने कोई भी फ़ोटो गैलरी पे चले जाते हैं। यहाँ से आपके फाइल गैलरी आ गया है, तो आप फाइल ट्रांसफ़र आप कैसे कर सकते हैं किसी भी दूसरे डिवाइस में। तो सिंपली हमने ये फ़ोन ले लिया, देखते हैं आप तो इसमें फ़ाइल ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इमेज पे जाते हैं, इमेज पे कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। शेयर ऑप्शंस पे जाते हैं, जहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ पे क्लिक कर देना है। तो आपके पास ये नेटवर्क आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करते जो भी फाइल्स आपका दूसरे डिवाइस में एक्सेप्ट करते ही सेंड हो जाएगा और ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्लूटूथ में के जरिए आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी दूसरे डिवाइस में, और जो आपकी फ़ाइल है दूसरे डिवाइस में आ जाएगी। देखते हैं कि यहाँ पर ये शो हो चुकी है और इमेज गैलरी में आ चुकी है। तो इस तरीके से फाइल वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं ब्लूटूथ के जरिए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर।